पिछले 27 दिसंबर को वार्ड सचिव प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कार्यालय के बाहर कि उन्हें सम्राट चौधरी से मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिला था इस वजह से, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कई वार्ड सचिव बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसके बाद वार्ड सचिव आंदोलन के मूड में है। संघ के अध्यक्ष कामदेव कुमार ने कहा है कि लाठीचार्ज में कई वार्ड सचिव बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं उन्होंने वार्ड सचिवों पर से केस उठाने और नए वार्ड सचिवों के चयन को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 22 जनवरी से फिर से जोरदार आंदोलन आरंभ किया जाएगा। आंदोलन का यही रूप होगा कि 21 तारीख तक का सरकार का एक चिट्ठी जारी हुआ है कि 21 तारीख तक जो कोरोना बढ़ रहा है उसके चलते आप लोग कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 21 से पहले वो हर समय हर जगह बाढ़ सभा करवाने का काम कर रहे हैं और उसमें बाढ़ सचिव का चयन करवाने का। अगर वो नहीं रुकता है तो हम लोग 21 के बाद हम लोग फिर पटना के धरती पर 1,14,000 पूरे परिवार के साथ हम लोग फिर उतरने का काम करेंगे।